अरे पढ़ा तूने? बिजली विभाग वालों की दादागिरी, कहते हैं अगर बिल नहीं भरोगे तो सीधा मीटर ही उखाड़ देंगे। तो क्या हुआ, हम तो हमेशा बिल टाइम पर भरते हैं, नहीं? हमने तो अपने बिल भरे हुए हैं, हमारा मीटर उखाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये बिजली को क्या हो गया? लगता है चली गई। कहीं फ्यूज तो नहीं गया है? देख के आता हूँ कहीं जरा। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मीटर उखाड़ रहे हैं। अच्छा, किसका? आपका। मेरा उखाड़ है जी। आपने बिजली का बिल नहीं भरा ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सारे बिल भरे हैं। द्रौपदी द्रौपदी, जरा वो बिजली के बिल वाली फाइल लेके आना। ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ढूंढना जाके। आराम से ढूंढो भाभी, मिल जाए तो कल ऑफिस ले आना। नहीं, आप इसको नहीं निकाल सकते भाई। भाई साहब, आप एक सरकारी आदमी के काम में दखल नहीं दे सकते। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए ना। ये देखिए फाइल, ये देखिए, ये सारे बिल भरे हुए हैं इसमें। अरे हाँ, बिल तो सारे भरे हुए हैं, पर क्या ऊपर से ऑर्डर है। पर बिल तो भरे हुए हैं ना? हाँ, बिल तो भरे हुए हैं, लेकिन तो वापस लगा दो। नहीं 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 लगा सकते, उसके लिए तो रिकनेक्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ भाई साहब, आप कल ऑफिस आ जाइए, बड़े बाबू से मिल लीजिए, वही रिकनेक्शन करते हैं। पर रिकनेक्शन क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन उखड़ गया है ना। तो निकाला क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था ना। तो वापस लगा दो ना। नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। क्या भाई साहब, हम तो सरकारी नौकर हैं, हमें जो ऑर्डर मिलता है हम वही करते हैं। कल आप ऑफिस आ जाइए, ये फाइल दिखा दीजिए, साहब लोग हमको बोलेंगे वही दोबारा लगा दो, हम दोबारा लगा देंगे। ओके जी, नमस्ते। अरे देख क्या रहे हो, छीनो उससे मीटर। नहीं छीन सकता, ये गैर कानूनी। और जो उसने किया वो कानून है। अच्छा अच्छा, तो बैठे रहो अंधेरे में कैंडल जला के। देखो द्रौपदी डार्लिंग, तुम बहुत दिनों से चाह रही थी ना कि हमने वो कैंडल लाइट डिनर नहीं किया है, तो बस आज से रोज कैंडल लाइट डिनर। लेकिन घर में कैंडल भी तो नहीं है। अच्छा अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो, बिजली की ऑफिस? नहीं, कैंडल लेने। नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते पटेल। यही बड़े बाबू हैं? जी। पटेल जरा चाय लेके आओ। जी लाया। क्या हाल है शुक्ला जी? बस जिंदा हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ देर लगा दी? अरे यार, सुबह सुबह अपने मोहल्ले में एक लड़की का बलात्कार हो गया। हाँ, तो आपने क्यों देर लगा दी? मोहल्ले की लड़की है ना, सांत्वना देने चले। बड़े बाबू, ये सरकार नहीं चलने वाली। अरे प्राइवेटाइजेशन करेगी तो कहाँ से चलेगी? हम चलने देंगे तब ना। बड़े बाबू, अपना जोनल ऑफिसर है ना छाबड़ा, सुना जा रहा है? अंदर की बात है ये। चाय बड़े बाबू। आओ बैठो। बड़े बाबू, वो उषा जी पूछ रही थी कि आजकल आप लेट क्यों आते हैं? अरे वो कौन सा टाइम पे आती है, रोज घर से खाना बना के आती है, लंच टाइम पे आती है। जा। वो क्या है? वो पूछ रही थी, इसलिए मैंने सेफ साइड बता दिया आपको। बड़े बाबू मेरी बात सुनिए। चाय पीने देंगे आप? एक नहीं, आप चाय पीजिए, मैं बोलता रहता हूँ ना। अरे कैसे आदमी आप, सबर नहीं कर सकते? दो मिनट खड़े रहिए जी। पांडे जी, नया सर्कुलर देखा आपने? हाँ देखा। क्या लगता है यूनियन मानेगी? अब ये यूनियन वाले भी ना। देखिए देखिए पांडे जी, मेरी बात सुनिए। अरे कैसे आदमी आप, देख नहीं रहे जरूरी बात कर रहे हैं हम लोग? अरे देख रहा हूँ मैं कितनी जरूरी बात कर रहे हैं आप लोग। भाई 11:30 बजे से आके बैठा हुआ मैं यहाँ पे। हमने कहा था आपको यहाँ 11:30 बजे आने को? नहीं, आपने नहीं कहा था, मेरी बेवकूफी थी। तो अपनी बेवकूफी की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आया हूँ। यहाँ सब प्रॉब्लम में ही आते हैं, कोई शादी में नहीं आता, हम भी यहाँ प्रॉब्लम में ही आए, कोई शौक नहीं है हमें यहाँ आने का। ये आपको क्या प्रॉब्लम है? हम यहाँ नहीं आए तो नौकरी चली जाएगी। मतलब आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोलो यार बोलो। ये देखिए सारे के सारे बिल भरे हुए हैं। तो क्या करें, अवार्ड दें? नहीं, अवार्ड ना दें, लेकिन मीटर भी ना उखाड़ लें। किसने उखाड़ा मीटर? आपके ऑफिस का कोई आदमी आया, मीटर उखाड़ के ले गया और कहने लगा ऊपर से ऑर्डर आया। तो ऊपर से ऑर्डर आया होगा। अरे ऐसे कैसे आया होगा भाई, सारे के सारे बिल भरे हुए हैं तो मीटर कैसे उखाड़ सकते हैं? देखिए, मीटर उखाड़ने के लिए ऑर्डर की जरूरत होती है, और ऑर्डर देने के लिए मुंह खोलने की जरूरत होती है। मुंह तभी खुलता है जब खाली हो। समझा नहीं? पहला ही दिन है ना, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। कौन सा एरिया? हटिया। हटिया नॉर्थ जोन। छोटे बाबू से मिलो जी। छोटे बाबू नॉर्थ जोन का एरिया देखते हैं। वो कहाँ बैठते हैं? शुक्ला जी वो। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? बाहर पान खाने गए होंगे, आप वहां जाके बैठिए जी। छोटे बाबू, ये बिल सेटल करवाना है। अरे मैं आपको छोटा बाबू दिखता हूँ? हाँ छोटे तो हो, बाबू भी लग रहे हो। जब छोटे बाबू, शुक्ला जी बाहर पान खाने के लिए गए हैं तो गुस्सा क्यों कर रहा है बे? पर शुक्ला जी थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? अरे मेरी जान, बिल भी तो ज्यादा का है ना, मेरे बिल चिंतन, कल पान की दुकान पर। ठीक है जी। अब ये आपका क्या है? ये भाई साहब, मेरा नाम मुसद्दीलाल त्यागी है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। गुड। ये देखिए मैंने बिजली के सारे बिल पे किए।
बहुत गुड। और मेरा मीटर उखाड़ लिया गया है। एकदम ही गुड जी। मतलब कौन उखाड़ गया? चोरी वोरी हुआ क्या? नहीं नहीं, आपके ऑफिस से कोई आया था, कोई मोटा मोटा सा था। भाटिया? हाँ वही रहा होगा, उसने उखाड़ लिया। ये बात तो गलत है ना? एकदम गलत है। बिल देखना आपका। 90-95 धनकुट्टी मुसद्दीलाल त्यागी। भाई आपने तो सब बिल भरे हुए हैं, है ना? हाँ। तो फिर वो क्यों उखाड़ के ले गया? कोई गलती से उखाड़ के ले गया होगा। आप एक काम कीजिए, बड़े साहब से मिल लीजिए। बड़े साहब? अरे ऊषा जी, उन्हीं से। ये कहाँ बैठती हैं? केबिन में। केबिन में बैठती हैं? ये मैडम 2 जनवरी का बिल 4 जनवरी को पे किया गया है, ये 6 फरवरी का 8 फरवरी को, उसके बाद ये मई में 6 मई का 9 मई को पे किया है मैंने, और 9 सितंबर का बिल 11 सितंबर को पे किया है। मतलब ऑल द बिल्स हैव बीन पेड वेल इन टाइम, उसके बावजूद मीटर उखाड़ के ले गया मेरा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है जरूर। एक बात बताइए, आपने अपने ही बिल के पैसे भरे थे ना? हाँ मैडम, और किसके बिल के भरूंगा? अपने ही बिल के भरे थे, मैं तो चेक से भरता हूँ। चेक के पीछे कंज्यूमर नंबर लिखा था? लिखा था। सही लिखा था? बिल्कुल सही लिखा था, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूँ, उसके बावजूद मीटर उखाड़ के ले गया। पता करती हूँ। जी मैडम। हाँ भाटिया जाए क्या? बाहर बैठे समोसे खा रहे हैं। उन्हें कहना जरा अंदर आए। जी मैडम। अभी पता करती हूँ। मैडम इस दफ्तर में एक आदमी है जो मुझे एकदम सही लगे। वो सही, वो आप समझ रही हैं ना? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून भाटिया जी, ये है मिस्टर मुसद्दीलाल। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। पहचानते हैं? वेरी वेल मैडम, कल 10वां मीटर इन्हीं का उखाड़ा था, लेकिन इन्होंने सारे बिल अच्छी तरह से भरे, मैंने खुद इनकी फाइल देखी है। पहले क्यों नहीं देखी? अरे मैडम, ऊपर से उखाड़ने के बाद देखने का ऑर्डर है। यही तो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से पब्लिक को कितनी परेशानी होती है। यस मैडम, 24-24 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है जी। 24 नहीं 8 घंटे। कैसे? 16 घंटे तो बिजली वैसे ही नहीं आती। यही तो, पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो शहर है, कोई गाँव नहीं जो 24-24 घंटे बिजली गुल रहे हैं। आप एक काम कीजिए। क्या करूँ? एक एप्लीकेशन दीजिए। कैसी एप्लीकेशन? रिकनेक्शन के लिए। रिकनेक्शन? हाँ, 200 रुपए फाइन लगेगा, और ये जो 10,000 बिल बैलेंस है वो भरना पड़ेगा। बैलेंस बिल? हाँ, जो नहीं भरा है। मेरा तो कोई बैलेंस बिल है ही नहीं। हम मानते हैं, पर ये जो 10,000 जो कंप्यूटर दिखा रहा है वो तो भरना पड़ेगा ना? तो वो तो गलती से है ना? हाँ, तो गलती सुधारनी पड़ेगी ना? तो गलती में मेरी थोड़ी है, गलती तो आप लोगों की, तो आप अपनी गलती सुधारिए। क्या करें भाटिया जी? मैडम जब तक ये मुआ कंप्यूटर 10,000 में दिखा रहा है तब तक तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ तो भाई इसको सुधारिए। आप एक काम कीजिए, आप मंडे आइए। मंडे? आज मंडे है मैडम। तो इसके बाद कभी मंडे आएगा ही नहीं? इसके बाद एक हफ्ते के बाद आएगा मैडम। यही तो, फिर हफ्ते भर के बाद आइए ना। हफ्ते भर तक मैं बिना बिजली के रहूं? अरे लकी हैं आप, मैडम आपको एक हफ्ते बाद बुला रही हैं। लोग तो महीना महीना भर घर में दीपावली मनाते हैं। दीपावली मतलब दिए जलाते हैं यार, एक हफ्ते बाद ठीक है ना? तब तक कंप्यूटर ठीक हो जाएगा ना? पता कर लेना जी। मैडम जब इसने सारे बिल भरे हैं तो ये कंप्यूटर किसका पेंडिंग बिल दिखा रहा है? इसके पड़ोसी का होगा शायद। हाँ, और हमने इसका मीटर उखाड़ दिया। यही तो, और इसका पड़ोसी मजे से हवा खा रहा है। हम भी हैरान मैडम, और पब्लिक अलग परेशान। यही तो। अरे पटेल भाई, ये मैडम कब आएंगी? हमें क्या पता। तो किसको पता है? हमें क्या पता। कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई कहता है मुझे पता ही नहीं है, दफ्तर है कि क्या है? हमें क्या पता। अरे मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। आइए, थक गई हूँ, कितनी गर्मी है। नहीं आप क्या पीछे पीछे आ रहे हैं? नहीं वो मैडम से काम है ना। हाँ तो रुकिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ओके, बार बार कुछ नहीं, मैं बोला ना रुकने का तो रुकने का। मैडम मैं जाऊँ? नहीं अभी मैडम फोन पे बात कर रही हैं। अरे देखिए पटेल भाई, मैं सुबह से बैठा हूँ, जरा जल्दी करा दीजिए। नहीं अभी टाइम लगेगा, बोला ना रुकने को। तो मतलब पटेल जी, ये फाइल मैडम को दिखानी थी। हाँ जाइए प्लीज। मेरा नंबर तो इससे पहले था, इसको अंदर भेजिए। VIP है। VIP? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और मैं? आप OIP। OIP? ऑर्डिनरी इंडियन पब्लिक। मैं ऑर्डिनरी इंडियन पब्लिक लगता हूँ तुम्हें? हाँ ऑफ कोर्स, जिनको ये भी नहीं पता कि प्यून के साथ कैसे बात करते हैं, वो और क्या होगा भाई। वो कैसे बात करते हैं प्यून के साथ? अरे मुंह से थोड़ी ना बात करते हैं, हाथ से बात करते हैं ना। करूं हाथ से बात? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओ अच्छा, ये लो। गो। क्या गो मतलब? जाओ, अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या आपको? बस थोड़ी देर और रहा तो अंग्रेजी आ ही जाएगी।
हाँ, अब तो आपका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा भाई साहब। यही तो नहीं आ सकती ना मैं। तुझे तो पता है ना कितना काम पड़ा रहता है यहाँ पे। नहीं, सास का कोई भरोसा नहीं है, उसके भरोसे घर छोड़ जाओ फिर सब साफ। सारा साफ नहीं, घर साफ, और नहीं तो क्या। अरे बाई तो रखी थी पर उसके नखरे तो सास से भी ज्यादा। तेरी नजर में कोई होगी तो जरा बोल देना, सास नहीं बाई। ओके चल भाई। उफ, कितना काम पड़ा है। जी वो तो दिखता है। है ना जी, मेरा एक काम था। क्या था जी? ये मैंने सारे बिल भर दिए हैं फिर भी मीटर उखाड़ लिया गया है। तुम्हारा तो प्रॉब्लम ही है। तो मैं क्या करूं? वो क्या है ना, बिल तो भरना ही पड़ेगा। मतलब एडजस्टमेंट हो सकती है पर वो बाद में, पहले तो बिल भरना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो सारे बिल भर दिए ना, तो कहाँ भरूं? वो जो कंप्यूटर अकाउंट में दिखता है वो। अच्छा अकाउंट में कंफ्यूजन है। यही तो, कंफ्यूजन अकाउंट में भर दो। कंफ्यूजन अकाउंट में कौन सा अकाउंट है? तो इससे भी बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ा कंफ्यूजन है? तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। देखो मैंने कहा था ना भर दो। लेकिन मैं तो भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या भरूँ, कौन सा बिल? बिल भेज दे क्या? किस महीने का? जिस महीने का तुम बोलो। एक महीने का बिल तो मैंने भर दिया है। यही तो प्रॉब्लम है ना, बहुत परेशान कर देते हो तुम लोग। कितना काम पड़ा है, स्वेटर बुना है। स्वेटर बुना आता है? जी नहीं। मे आई कम इन मैडम? आइए आइए भाटिया जी। मैडम ये लिस्ट है उन लोगों की जिनका बिल बाकी है, उनका बिल उखाड़ने का मीटर। हाँ? नहीं मैं, उनका मीटर उखाड़ने का बिल, उनका मीटर उखाड़ने का ऑर्डर। हाँ, हाँ, ये लो लिस्ट तैयार है। यस मैडम। भाटिया जी इसका कुछ करो ना। किसका? इसका। नमस्ते जी। नमस्ते। बिल नहीं भरना चाहता, अब बोलो बिल नहीं भरेगा तो मीटर कैसे लगवाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप, मैं सारे के सारे बिल भर चुका हूँ, गलती आप लोगों की है भाई। हाँ हाँ हमारी गलती है तो क्या करोगे, हमें फांसी पे चढ़ा दोगे तुम? जब मैडम कह रही है कि भर दो तो भर दो। अरे भाई कानून हमने थोड़ी बनाया। किसने बनाया है? हमें क्या पता। लेकिन बिजली के दफ्तर में तो आप ही लोग काम करते हैं। तो जनाब आप क्या चाहते हैं, हम इस्तीफा दे दें? इस्तीफा देने से मीटर लग जाएगा? मीटर तो यहाँ पे बैठ के रोने से भी नहीं लगेगा। भाई आप कुछ कीजिए, आप कर रही हो ना। नहीं ये नहीं, आप मीटर के बारे में कुछ कीजिए। भाटी जी इसका कुछ करो ना। एक ही रास्ता है। क्या? नया मीटर लगवा लो। नया मीटर? हाँ पांडे जी के पास अप्लाई कर दो, मैं काम जल्दी करवा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने पहले जो मीटर लगवाया था 6 महीने में लगा था, अब ये कितने दिन में लगेगा? ये 2 महीने में लग जाएगा। दो महीने में बिना बिजली के बैठा रहो घर पे? अरे भाई इतना टाइम तो रिकनेक्शन में भी लग जाएगा, जल्दी जाओ, पांडे जी चले जाएंगे, उनको सक्सेना साहब के लड़के की शादी में जाना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, आप अपने मकान के कागज नहीं लाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि मकान आपका? और क्या लाना है? फॉर्म के साथ 1000 रुपए। वो किस लिए? कुछ नए मीटर के और कुछ रिश्वत के। कितनी बेशर्मी की बात है ना कि सबके सामने आप रिश्वत मांग रहे हैं। बेशर्मी की बात नहीं है ये, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ताकि सबको पता चले कि यहाँ कितना चलता है। भारत में आधे से ज्यादा लोगों का काम तो हो ही नहीं पाता, बिकॉज दे डोंट नो कब कहाँ और कितना दिया जाता है। हम अपने काम में पारदर्शिता लाके पब्लिक का काम आसान करना चाहते हैं। पब्लिक उसके लिए आपकी आभारी है। आभार प्रकट मत करिए तो भार प्रकट करिए। भार? वजन समझते हैं वजन? नहीं, वजन मैं समझता तो हूँ लेकिन मेरे पास पूरा वजन नहीं है। तो आधा वजन दे दो। चलिए ठीक है 500 है आधा वजन। आधा वजन कर फॉर्म के साथ ले आना। ठीक, पर आप सुबह 11 बजे आ जाइएगा। और आप भी सुबह 11 बजे आ जाइएगा। क्या पटेल भाई, देखो ना जरा, खुद ही देखो 11 बज रहे हैं और अभी तक बड़े बाबू नहीं आए हैं। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। नहीं आए तो कब आएंगे? पूछा? हाँ पूछा है। पता नहीं है। आज मुझे बहुत जल्दी है भाई, आज मेरा मीटर लगने वाला है। उनका मीटर डाउन किया था? पूरी तरह से डाउन कर दिया था। पूरा डाउन किया था? फिर तो वो डाउन हो गए होंगे, जब अप होंगे तब आएंगे। आप लोग मेरी तकलीफ समझते नहीं है ना, मैं रोज दफ्तर से छुट्टी लेके आता हूँ, घर पे भी बहुत तकलीफ है, मतलब बिजली नहीं है और गर्मी के मारे जान निकलती रहती है। अरे कुड़कुड़ मत करो, एक काम करो छोटे बाबू से मिल लो। नहीं नहीं मैं बड़े बाबू का वेट करूंगा, मैंने 500 रुपए दिए उनको। अरे भूल जाओ 500 रुपए, बड़े बाबू के चक्कर में मत पड़ो, छोटे बाबू से काम करवा लो, वरना 2 बातें होगी, या तो यहाँ पर वेट करोगे बड़े बाबू का, या तो फिर घर चले जाओगे। घर गए तो गर्मी से परेशान और यहाँ वेट किया तो 2 बातें होगी, या तो बड़े बाबू आएंगे या तो नहीं आएंगे। नहीं आए तो ठीक, मगर आ गए तो 2 बातें होंगी, या तो वो आपकी बात सुनेंगे या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ा तो ठीक, मगर आपकी बात सुनी तो 2 बातें होंगी, या तो वो आपका काम खुद करेंगे या तो छोटे बाबू को भाड़ा देंगे। वो कभी भी खुद कोई काम करते नहीं और छोटे बाबू को भाड़ा तो 2 बातें होंगी, या तो आप उनसे काम करवाओगे या तो नहीं करवाओगे। नहीं करवाओगे तो कहां जाओगे, और करवाया। अरे भाई छोटे बाबू से ही काम करवाना है तो अभी करवा लो ना, क्यों खामखा बड़े बाबू का वेट करके वेट लूज कर रहे हो भाई। नहीं नहीं मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छोटे बाबू कहां गए पूछ रहा हूं।
नहीं आए हैं। क्या पान खा कर छूट देता हूँ तो कहते हैं शुक्ला जी हो क्या गया। हाँ, वो तो है। तो भाई मैडम को तो कई काम कर। छोटे बाबू मैं आपका वेट कर रहा था। क्या? जी कितना निकला? क्या वेट? वेट कितना? नहीं वो वाला वेट नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा था। कहे? जी बात यह है कि ये देखिए ये सारे बिल ये मैंने पे किए हुए हैं। भाटिया जी मेरा केस समझा दीजिए ना। हाँ यार ये बहुत परेशान है, वो कंप्यूटर की गलती से इसका मीटर उखाड़ रहा है और 10,000 रुपए बिल बैलेंस है। इसका? नहीं नहीं मेरा नहीं है, मैंने तो सारे बिल भरे हुए हैं। इसके पड़ोसी का है, गलती से इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। अब तुम जानते हो अकाउंट सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो भाटिया नया मीटर लगा दो ना। जी हाँ उसी की वजह से तो मैं पांडे जी से मिला था कल, 500 रुपए दिए थे उनको लेकिन पांडे जी आज आए नहीं है। पड़े होंगे, कल क्या किया सक्सेना के बेटे के पार्टी में पता है ना? नहीं नहीं हम तो खाने की टेबल पे थे, हमें कैसे पता होगा। सक्सेना का गिरबान पकड़ लिया। क्यों? सक्सेना इंट्रोड्यूस करा रहा था, इंट्रोड्यूस करते हुए कह दिया ये पांडे है, बस जल्दी छनक गए। गलती है ना, पांडे जी के आगे जी नहीं लगाया तो। देखिए भाई साहब मेरी एक बात कर लो इम्पोर्टेंट ना, उसके बाद जो लटकम जुटता सक्सेना के साथ। क्या बात कर रहे हो, उसी के लौंडे की शादी में उसी को पेल दिया है पांडे। ये बातें तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं ना। एक मिनट भाई साहब, आपके काम की बात कर रहे हैं। मेरे काम की? हाँ पांडे जी का जिक्र आपने ही छेड़ा था। अरे भाई गलती हो गई मुझसे भाटिया साहब, प्लीज कुछ करवा दीजिए ना। कुछ करा दो यार शुक्ला इसका है। ओ, तो आपका मुंह कौन रखूं? मुझे हीटर नहीं लगवाना है, मीटर लगवाना है। मीटर ही नहीं लग सकता? क्यों? आपका बिल पेंडिंग है ना। वो तो गलती से है ना भाई। पर है तो? तो क्या करूं? बीवी है? हाँ है, मैंने देखी है, मेरे ही साइज की है। उन्हीं के नाम पे लगवा लीजिए। अब तो लगवा दीजिए, बट फॉर्म भर दीजिए। क्या? हाँ तो लाइए फॉर्म दे दीजिए। पांडे भी देते हैं। पर पांडे जी तो आज आए नहीं ना। वो तो आएंगे भी नहीं। तो फिर क्या करूं? कल आइए। अरे भाई एक महीने से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, मीटर उखाड़ने में तो एक मिनट में उखाड़ देते हैं और लगाते हुए इतना टाइम ले रहे हैं। भाई साहब मीटर उखाड़ने के लिए एक जगह से उखाड़ना पड़ता है और लगाने के लिए कई कई जगह जाना पड़ता है, तब जाके बिजली मिलती है। जाके उन लोगों से पूछो जिनके घर में बिजली नहीं है। आप मुझसे पूछिए, मेरे घर में नहीं है। क्या पूछे? क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं। अरे और कंफ्यूज मत करो यार, खाना पीना खाओ भी और वो मीटर लगवा दो मेरा। अरे भाई साहब नया मीटर लगाना है, कोई ट्रांसफर नहीं करना है, यहाँ से खड़ा और वहाँ लगा दिया। ए भाटिया गुड आइडिया, कोई पुराना मीटर इनके नाम ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हो? अरे हाँ यार उससे तो इनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बोलो भाई साहब चलेगा क्या? ये देखो ये मीटर है, आज ही उखाड़ा है, चड्डा का है, चड्डा चला गया है दुबई, खाली है। बोलो आप क्या लगा दें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? प्रॉब्लम कैसी, मीटर मीटर है, चड्डा के नाम हो, मुसद्दी के नाम हो। तो कब तक लग जाएगा? कल लग जाएगा। तो लगवा दो। 1,000? क्या? हाँ कैश दिए लगा। एक महीने के बाद लाइट आई है, मैं तो भूल ही गया था कि पंखे की हवा कैसी होती है। तो क्या आज ही सारी हवा खा लोगे? अरे चुप कर, पैर दबा तू। ये क्या हुआ, फिर से लाइट चली गई? कहीं वो वापस आकर वो बिजली का मीटर तो नहीं ले गया? अरे कैसे ले गया, अभी तो कल ही लगा मीटर भाई। अरे देख तो लो। देख क्या था? भाटी जी मेरा मीटर क्यों उखाड़ रहे हैं? बिल नहीं भरा। बिल? अरे कल ही तो मीटर लगाया, बिल कैसे भरेंगे? अरे तुमने नहीं, उस चड्डा ने जिसका ये मीटर लगाया था। क्या? हाँ। तो अब मैं क्या करूं? कल ऑफिस आके अप्लाई करो। किसके लिए? नए मीटर के लिए। क्या? हाँ मैडम, और किसके बिल के भरूंगा, अपने बिल के भरे थे, मैं तो चेक से भरता हूँ। चेक के पीछे कंज्यूमर नंबर लिखा था? लिखा था। सही लिखा था? बिल्कुल सही लिखा था, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, उसके बावजूद मीटर उखाड़ के ले गए। जी मैडम। हाँ भाटिया जी आए क्या? बाहर बैठे समोसे खा रहे हैं, उन्हें कहना जरा अंदर आए। जी मैडम। अभी पता करती हूँ। मैडम इस दफ्तर में काफी है जो मुझे एकदम सही लगे। वो सही, वो आप समझ रही हैं ना? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून भाटिया जी, ये है मिस्टर मुसद्दीलाल। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। पहचानते हैं? वेरी वेल मैडम, कल 10वां मीटर इन्हीं का उखाड़ा था, लेकिन इन्होंने सारे बिल अच्छी तरह से भरे, मैंने खुद इनकी फाइल देखी है। पहले क्यों नहीं देखी? अरे मैडम ऊपर से उखाड़ने के बाद देखने का ऑर्डर है। यही तो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से पब्लिक को कितनी परेशानी होती है। यस मैडम, 24 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। 24 नहीं 8 घंटे। कैसे? 16 घंटे तो बिजली वैसे ही नहीं आती। यही तो, पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो शहर है, कोई गांव नहीं जो 24 घंटे बिजली गुल रहे हैं। आप एक काम कीजिए। क्या करूं? एक एप्लीकेशन दीजिए। कैसी एप्लीकेशन? रिकनेक्शन के लिए।
रिकनेक्शन? हाँ, 200 रुपए फाइन लगेगा और ये जो 10,000 बिल बैलेंस है वो भरना पड़ेगा। बैलेंस बिल? हाँ, जो नहीं भरा है। मेरा तो कोई बैलेंस बिल है ही नहीं। हम मानते हैं, पर ये जो 10,000 जो कंप्यूटर दिखा रहा है वो तो भरना पड़ेगा ना। वो तो गलती से है ना। हाँ, तो गलती सुधारनी पड़ेगी ना। तो गलती में मेरी थोड़ी है, गलती तो आप लोगों की, तो आप अपनी गलती सुधारिए। क्या करें भाटिया जी? मैडम, जब तक ये मुआ कंप्यूटर 10,000 में दिखा रहा है तब तक तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, तो भी इसको सुधारिए, सुधारिए। आप एक काम कीजिए, आप मंडे आइए। मंडे? आज मंडे है मैडम। तो इसके बाद कभी मंडे आएगा ही नहीं। इसके बाद एक हफ्ते के बाद आएगा मैडम। यही तो, फिर हफ्ते भर के बाद आइए ना। हफ्ते भर तक मैं बिना बिजली के रहूं? अरे लकी हैं आप, मैडम आपको एक हफ्ते बाद बुला रही हैं। लोग तो महीना महीना भर घर में दीपावली मनाते हैं। दीपावली मतलब दिए जलाते हैं यार। एक हफ्ते बाद ठीक है ना? तब तक कंप्यूटर ठीक हो जाएगा ना? पता कर लेना जी। मैडम, जब इसने सारे बिल भरे हैं तो ये कंप्यूटर किसका पेंडिंग बिल दिखा रहा है? इसके पड़ोसी का होगा शायद। हाँ, और हमने इसका मीटर उखाड़ दिया। यही तो, और इसका पड़ोसी मजे से हवा खा रहा है। हम भी हैरान मैडम, और पब्लिक अलग परेशान। यही तो। अरे पटेल भाई, ये मैडम कब आएंगी? हमें क्या पता। तो किसको पता है? हमें क्या पता। हाँ, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई कहता है मुझे पता ही नहीं है, दफ्तर है कि क्या है? हमें क्या पता। अरे मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। आइए, थक गई हूँ, कितनी गर्मी है। नहीं, आप क्या पीछे पीछे आ रहे हैं? नहीं, वो मैडम से काम है ना। हाँ तो रुकिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ओके, बार बार कुछ नहीं, मैं बोला ना रुकने का तो रुकने का। मैडम, लेकिन बिजली के दफ्तर में तो आप ही लोग काम करते हैं। तो जनाब, आप क्या चाहते हैं, हम इस्तीफा दे दें? इस्तीफा देने से मीटर लग जाएगा? मीटर तो यहाँ पे बैठ के रोने से भी नहीं लगेगा। भाई आप कुछ कीजिए, आप कर रही हो ना। नहीं, ये नहीं, आप मीटर के बारे में कुछ कीजिए। भाटी जी, कुछ करो ना। एक ही रास्ता है। क्या? नया मीटर लगवा लो। नया मीटर? हाँ, पांडे जी के पास अप्लाई कर दो, मैं काम जल्दी करवा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने पहले जो मीटर लगवाया था 6 महीने में लगा था, अब ये कितने दिन में लगेगा? ये 2 महीने में लग जाएगा। 2 महीने में बिना बिजली के बैठा रहो घर पे? अरे भाई, इतना टाइम तो रिकनेक्शन में भी लग जाएगा। जल्दी जाओ, पांडे जी चले जाएंगे, उनको सक्सेना साहब के लड़के की शादी में जाना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। आप अपने मकान के कागज नहीं लाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि मकान आपका? और क्या लाना है? फॉर्म के साथ 1,000 रुपए। वो किस लिए? कुछ नए मीटर के और कुछ रिश्वत के। कितनी बेशर्मी की बात है ना कि सबके सामने आप रिश्वत मांग रहे हैं। बेशर्मी की बात नहीं है ये, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ताकि सबको पता चले कि यहाँ कितना चलता है। भारत में आधे से ज्यादा लोगों का काम तो हो ही नहीं पाता, बिकॉज दे डोंट नो कब कहाँ और कितना दिया जाता है। हम अपने काम में पारदर्शिता लाके पब्लिक का काम आसान करना चाहते हैं। पब्लिक उसके लिए आपकी आभारी है। आभार प्रकट मत करिए, तो भार प्रकट करिए। भार? वजन समझते हो? वजन? नहीं, वजन मैं समझता तो हूँ, लेकिन मेरे पास पूरा वजन नहीं है। तो आधा वजन दे दो। चलिए ठीक है, 500 है आधा वजन। आधा वजन कर फॉर्म के साथ ले आना। ठीक, पर आप सुबह 11 बजे आ जाइएगा। और आप भी सुबह 11 बजे आ जाइएगा। क्या पटेल भाई, देखो ना जरा, खुद ही देखो, 11 बज रहे हैं और अभी तक बड़े बाबू नहीं आए हैं। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। नहीं आए तो कब आएंगे? पूछा? हाँ पूछा है। पता नहीं है। आज मुझे बहुत जल्दी है भाई, आज मेरा मीटर लगने वाला है। उनका मीटर डाउन किया था? पूरी तरह से डाउन कर दिया था। पूरा डाउन किया था? फिर तो वो डाउन हो गए होंगे, जब अप होंगे तब आएंगे। आप लोग मेरी तकलीफ समझते नहीं है ना, मैं रोज दफ्तर से छुट्टी लेके आता हूँ, घर पे भी बहुत तकलीफ है, मतलब बिजली नहीं है और गर्मी के मारे जान निकलती रहती है। अरे एक कुड़कुड़ मत करो, एक काम करो, छोटे बाबू से मिल लो। नहीं नहीं, मैं बड़े बाबू का वेट करूंगा, मैंने 500 रुपए दिए उनको। अरे भूल जाओ 500 रुपए, बड़े बाबू के चक्कर में मत पड़ो, छोटे बाबू से काम करवा लो, वरना 2 बातें होगी, या तो यहाँ पर वेट करोगे बड़े बाबू का, या तो फिर घर चले जाओगे। घर गए तो गर्मी से परेशान, और यहाँ वेट किया तो 2 बातें होगी, या तो बड़े बाबू आएंगे या तो नहीं आएंगे। नहीं आए तो ठीक, मगर आ गए तो 2 बातें होंगी, या तो वो आपकी बात सुनेंगे या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ा तो ठीक, मगर आपकी बात सुनी तो 2 बातें होंगी, या तो वो आपका काम खुद करेंगे या तो छोटे बाबू को बढ़ा देंगे। वो कभी भी खुद कोई काम करते नहीं, और छोटे बाबू को बढ़ाया तो 2 बातें होंगी, या तो आप उनसे काम करवाओगे या तो नहीं करवाओगे। नहीं करवाओगे तो कहां जाओगे, और करवाया? अरे भाई छोटे बाबू से ही काम करवाना है तो अभी करवा लो ना, क्यों खामखा बड़े बाबू का वेट करके वेट लूज कर रहे हो भाई। नहीं नहीं, मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटे बाबू कहां गए? पूछ रहा हूं। नहीं आए। क्या देता हूँ? आप चाय पीजिए, मैं बोलता रहता हूँ ना। कैसे आदमी आप, सबर नहीं कर सकते? 2 मिनट खड़े रहिए जी। पांडे जी, नया सर्कुलर देखा आपने? हाँ देखा। क्या लगता है यूनियन मानेगी?
अब ये यूनियन वाले भी ना, देखिए देखिए पंडे जी मेरी बात सुनिए। अरे कैसे आदमी आप, देख नहीं रहे जरूरी बात कर रहे हैं हम लोग? अरे देख रहा हूँ मैं कितनी जरूरी बात कर रहे हैं आप लोग। भाई 11:30 बजे से आके बैठा हूँ मैं यहाँ पे। हमने कहा था आपको यहाँ 11:30 बजे आने को? नहीं आपने नहीं कहा था, मेरी बेवकूफी थी। तो अपनी बेवकूफी की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आया हूँ। यहाँ सब प्रॉब्लम में ही आते हैं, कोई शादी में नहीं आता, हम भी यहाँ प्रॉब्लम में ही आए, कोई शौक नहीं है हमें यहाँ आने का। ये आपको क्या प्रॉब्लम है? हम यहाँ नहीं आए तो नौकरी चली जाएगी। मतलब आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है बोलो यार बोलो। ये देखिए सारे के सारे बिल भरे हुए हैं। तो क्या करें, अवार्ड दें? नहीं अवार्ड ना दें लेकिन मीटर भी ना उखाड़ लें। किसने उखाड़ा मीटर? आपके ऑफिस का कोई आदमी आया, मीटर उखाड़ के ले गया और कहने लगा ऊपर से ऑर्डर आया। तो ऊपर से ऑर्डर आया होगा? अरे ऐसे कैसे आया होगा भाई, सारे के सारे बिल भरे हुए हैं तो मीटर कैसे उखाड़ सकते हैं? देखिए मीटर उखाड़ने के लिए ऑर्डर की जरूरत होती है और ऑर्डर देने के लिए मुंह खोलने की जरूरत होती है। मुंह तभी खुलता है जब खाली। समझा नहीं? पहला ही दिन है ना इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। कौन सा एरिया? हटिया। हटिया नॉर्थ जोन। छोटे बाबू से मिलो जी। छोटे बाबू नॉर्थ जोन का एरिया देखते हैं। वो कहाँ बैठते हैं? शुक्ला जी वो। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? बाहर पान खाने गए होंगे, आप वहां जाके बैठिए जी। छोटे बाबू ये बिल सेटल करवाना है। अरे मैं आपको छोटा बाबू दिखता हूँ? हाँ छोटे तो हो, बाबू भी लग रहे हो। जब छोटे बाबू शुक्ला जी बाहर पान खाने के लिए गए हैं तो गुस्सा क्यों कर रहा है बे? पर शुक्ला जी थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? अरे मेरी जान बिल भी तो ज्यादा का है ना, मेरे बिल किंतन कल पान की दुकान पर। ठीक है जी। ये आपका क्या है? ये भाई साहब मेरा नाम मुसद्दीलाल त्यागी है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। गुड। ये देखिए मैंने बिजली के सारे बिल पे किए। बहुत गुड। और मेरा मीटर उखाड़ लिया गया है। एकदम ही गुड जी। मतलब कौन उखाड़ गया, चोरी वोरी हुआ क्या? नहीं नहीं आपके ऑफिस से कोई आया था, कोई मोटा मोटा सा था। भाटिया? हाँ वही रहा होगा, उसने उखाड़ लिया। ये बात तो गलत है ना? एकदम गलत है। बिल देखना आपका 90-95 धनकुट्टी मुसद्दीलाल त्यागी। भाई आपने तो सब बिल भरे हुए हैं है ना? हाँ। तो फिर वो क्यों उखाड़ के ले गया? कोई गलती से उखाड़ के ले गया होगा। आप एक काम कीजिए, बड़े साहब से मिल लीजिए। बड़े साहब? अरे ऊषा जी उन्हीं से। ये कहाँ बैठती है? केबिन में। केबिन में बैठती है? ये मैडम 2 जनवरी का बिल 4 जनवरी को पे किया गया है, ये 6 फरवरी का 8 फरवरी को, उसके बाद ये मई में 6 मई का 9 मई को पे किया है मैंने, और 9 सितंबर का बिल 11 सितंबर को पे किया है। मतलब ऑल द बिल्स हैव बीन पेड वेल इन टाइम, उसके बावजूद मीटर उखाड़ के रहे हैं मेरा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है जरूर। एक बात बताइए, आपने अपने ही बिल के पैसे भरे थे ना? अरे पढ़ा तूने, बिजली विभाग वालों की दादागिरी। कहते हैं अगर बिल नहीं भरोगे तो सीधा मीटर ही उखाड़ देंगे। तो क्या हुआ, हम तो हमेशा बिल टाइम पर भरते हैं। नहीं हमने तो अपने बिल भरे हुए हैं, हमारा मीटर उखाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये बिजली को क्या हो गया? लगता है चली गई। कहीं फ्यूज तो नहीं गया है? देख के आता हूँ कहीं जरा। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मीटर उखाड़ रहे हैं। अच्छा किसका? आपका। मेरा उखाड़ है जी। आपने बिजली का बिल नहीं भरा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने तो सारे बिल भरे हैं। द्रौपदी द्रौपदी जरा वो बिजली के बिल वाली फाइल लेके आना। ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा ढूंढना जाके। आराम से ढूंढो भाभी, मिल जाए तो कल ऑफिस ले आना। नहीं, नहीं आप इसको नहीं निकाल सकते भाई। भाई साहब आप एक सरकारी आदमी के काम में दखल नहीं दे सकते। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए ना। ये देखिए फाइल, ये देखिए ये सारे बिल भरे हुए हैं इसमें। अरे हाँ बिल तो सारे भरे हुए हैं पर। पर क्या? ऊपर से ऑर्डर है। पर बिल तो भरे हुए हैं ना? हाँ बिल तो भरे हुए हैं लेकिन तो वापस लगा दो। नहीं 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 लगा सकते, उसके लिए तो रिकनेक्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ भाई साहब आप कल ऑफिस आ जाइए, बड़े बाबू से मिल लीजिए, वही रिकनेक्शन करते हैं। पर रिकनेक्शन क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन उखड़ गया है ना। तो निकाला क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था ना। तो वापस लगा दो ना। नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। क्या भाई साहब, हम तो सरकारी नौकर हैं, हमें जो ऑर्डर मिलता है हम वही करते हैं। कल आप ऑफिस आ जाइए, ये फाइल दिखा दीजिए, साहब लोग हमको बोलेंगे वही दोबारा लगा दो, हम दोबारा लगा देंगे। ओके जी नमस्ते। अरे देख क्या रहे हो, छीनो उससे मीटर। नहीं छीन सकता, ये गैर कानूनी। और जो उसने किया वो कानून है। अच्छा अच्छा तो बैठे रहो अंधेरे में कैंडल जला के। देखो भगवती डार्लिंग, तुम बहुत दिनों से चाह रही थी ना कि हमने वो कैंडल लाइट डिनर नहीं किया है, तो बस आज से रोज कैंडल लाइट डिनर। लेकिन घर में कैंडल भी तो नहीं है। अच्छा अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बिजली की ऑफिस।
अपनी कैंडल ले ली। नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते पटेल। यही बड़े बाबू हैं? जी। पटेल जरा चाय लेके आओ। जी लाया। क्या हाल है शुक्ला जी? बस जिंदा हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ देर लगा दी? अरे यार, सुबह सुबह अपने मोहल्ले में एक लड़की का बलात्कार हो गया। हाँ, तो आपने क्यों देर लगा दी? मोहल्ले की लड़की है ना, सांत्वना देने चले। बड़े बाबू, ये सरकार नहीं चलने वाली। अरे प्राइवेटाइजेशन करेगी तो कहाँ से चलेगी? हम चलने देंगे तब ना। बड़े बाबू, अपना जोनल ऑफिसर है ना छाबड़ा, सुना जा रहा है? अंदर की बात है ये। चाय बड़े बाबू। आओ बैठो। बड़े बाबू, वो उषा जी पूछ रही थी कि आजकल आप लेट क्यों आते हैं? अरे वो कौन सा टाइम पे आती है, रोज घर से खाना बना के आती है, लंच टाइम पे आती है, जा। वो क्या है, वो पूछ रही थी इसलिए मैंने सेफ साइड बता दिया आपको। बड़े बाबू मेरी बात सुनिए। चाय पीने दे। मैं जाऊं? नहीं, अभी मैडम फोन पे बात कर रही हैं। अरे देखिए पटेल भाई, मैं सुबह से बैठा हूँ, जरा जल्दी करा दीजिए। नहीं अभी टाइम लगेगा, बोला ना रुकने को। तो मतलब पटेल जी, ये फाइल मैडम को दिखानी थी। हाँ जाइए प्लीज। मेरा नंबर तो इससे पहले था, इसको अंदर भेजिए। वीआईपी है। वीआईपी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और मैं? आप ओआईपी। ओआईपी? ऑर्डिनरी इंडियन पब्लिक। मैं ऑर्डिनरी इंडियन पब्लिक लगता हूँ तुम्हें? हाँ ऑफ कोर्स। जिनको ये भी नहीं पता कि प्यून के साथ कैसे बात करते हैं, वो और क्या होगा भाई। वो कैसे बात करते हैं प्यून के साथ? अरे मुंह से थोड़ी ना बात करते हैं, हाथ से बात करते हैं ना। हाथ से बात? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। ये लो। गो। क्या? गो मतलब जाओ, अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या आपको? बस थोड़ी देर और रहा तो अंग्रेजी आ ही जाएगी। अब तो आपका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा भाई साहब। यही तो नहीं आ सकती ना मैं, तुझे तो पता है ना कितना काम पड़ा रहता है यहाँ पे। नहीं, सास का कोई भरोसा नहीं है, उसके भरोसे घर छोड़ जाओ फिर सब साफ। सारा साफ नहीं, घर साफ, और नहीं तो क्या। अरे बाई तो रखी थी पर उसके नखरे तो सास से भी ज्यादा, तेरी नजर में कोई होगी तो जरा बोल देना। सास नहीं बाई। ओके चल भाई। उफ, कितना काम पड़ा है। जी वो तो दिखता है। है ना? जी मेरा एक काम था। क्या था? ये मैंने सारे बिल भर दिए हैं फिर भी मीटर उखाड़ लिया गया है। तुम्हारा तो प्रॉब्लम ही है। तो मैं क्या करूं? वो क्या है ना, बिल तो भरना ही पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट हो सकती है पर वो बाद में, पहले तो बिल भरना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो सारे बिल भर दिए ना, तो कहाँ भरूं? वो जो कंप्यूटर अकाउंट में दिखता है वो। अच्छा अकाउंट में कंफ्यूजन है। यही तो, कंफ्यूजन अकाउंट में भर दो। कंफ्यूजन अकाउंट में कौन सा अकाउंट है? तो इससे भी बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ा कंफ्यूजन है? तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। देखो मैंने कहा था ना भर दो। लेकिन मैं तो भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या भरूँ, कौन सा बिल? बिल भेज दे क्या? किस महीने का? जिस महीने का तुम बोलो। एक महीने का बिल तो मैंने भर दिया है। यही तो प्रॉब्लम है ना, बहुत परेशान कर देते हो तुम लोग। कितना काम पड़ा है, स्वेटर बुना है। स्वेटर बुना आता है? जी नहीं। मे आई कम इन मैडम? आइए आइए भाटिया जी। मैडम ये लिस्ट है उन लोगों की जिनका बिल बाकी है, उनका बिल उखाड़ने का मीटर। हाँ? नहीं मैं, उनका मीटर उखाड़ने का बिल, उनका मीटर उखाड़ने का ऑर्डर। हाँ, हाँ, ये लो लिस्ट तैयार है। यस मैडम। भाटिया जी इसका कुछ करो ना। किसका? इसका। नमस्ते जी। नमस्ते। बिल नहीं भरना चाहता, अब बोलो बिल नहीं भरेगा तो मीटर कैसे लगवाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप, मैं सारे के सारे बिल भर चुका हूँ, गलती आप लोगों की है भाई। हाँ हाँ हमारी गलती है तो क्या करोगे, हमें फांसी पे चढ़ा दोगे तुम? जब मैडम कह रही है कि भर दो तो भर दो। अरे भाई कानून हमने थोड़ी बनाया। किसने बनाया है? हमें क्या पता।